गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर कंटिन्यूज आवर यूनिट टू ग्रेड टू पालमपुर ऑफ रीड विद अंबर वर्ड्स। लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट प्रणवमुष्टी एंड हिज लाइफ। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट with things, with device they are found for research. First tell that if you touch and control things from distance, आप कोई भी चीज़ को टच करके कोई भी डिसीजन को आप कंट्रोल कर सकते हो। चूज योर स्मार्टफोन और कैमरा एंड कंट्रोल एवरीथिंग यू सी ऑन द स्क्रीन बाय टचिंग इट। कोई भी कैमरे को टचिंग करके वो स्क्रीन को आप कंट्रोल कर सकते हो। Now you can interact with your appliance from distance or कोई भी appliance होते हैं, जो मशीन और जो डिवाइस होते हैं, उसको आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है कम्युनिकेशन इन फन वे, फनी तरीके से। टीवी, एलारा, म्यूजिक प्लेयर, ओपन द डोर, टर्न ऑन द लाइट, ये जो सारी बात करते रहेंगे। आपके पास अगर टीवी है, एलारा है, म्यूजिक प्लेयर है, ओपन द डोर, टर्न द लाइट, वो जो सारी चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों को आप कैमरे के थ्रू, टचिंग मोड के थ्रू आप कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप चला सकते हैं, बंद या चालू कर सकते हैं। जस्ट बाय टचिंग इट ऑन स्क्रीन, उस स्क्रीन के ऊपर टच करते हुए सारी चीज़ को हम चला सकते हैं। It's simple. Tell touch lets you interact with your world with touch from distance. और सारे world के अंदर ये सब interact जो बात करें वो सारे distance के थ्रू हम बता सकते हैं। Second thing is spurs. तो यहाँ पे जो spurs की जो बात कर रहे हैं प्रणव मिश्री की, जिसमें spurs के बारे में जो बताया कि lets you conceptually transfer media from one digital device to your body and pass it to the other digital device by simple touch. कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है इमेजिनेशन। आपको इमेजिनेशन करना है कि आपके हम मीडियम फाइल को ट्रांसफर करना है वन डिजिटल डिवाइस से दूसरे बॉडी और दूसरे डिवाइस के अंदर। अगर आपको कोई भी फाइल को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डिजिटल डिवाइस है स्पर्श वाला, उसी को हमको सिंपल टच यानी सिग्नल यानी सिंगल टच का जो हम डिजिटल सिग्नल देते हैं उसके थ्रू हम कोई भी फाइल को कंप्यूटर में से कोई भी फाइल अगर हमारी बॉडी के अंदर फाइल जो होती है उसके अंदर अगर हमको ट्रांसफर करना है वो तो इजीली फाइल ट्रांसफर हो जाती है। टच व्हाट एवर यू वांट टू कॉपी फ्रॉम लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, ई बुक रीडर एक्सेट्रा, नाउ इट इज सेव कॉन्सेप्टल इन यू। तो उसके अंदर क्या है, जिसमें लैपटॉप जो होता है, टीवी के अंदर जो होते हैं, स्मार्टफोन के अंदर जो होते हैं और बुक रीडर जो होती है उसके अंदर जो सारी चीज़ें होती है वो सब हम मीडिया फाइल ट्रांसफर हम कर सकते हैं। नाउ इट इज सेव कॉन्सेप्टल इन यू, और आपको उसको सेव करके रखना है, इमेजिनेट करके रखना है, ये सब फाइल ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट टच द डिवाइस यू वांट टू स्पेस स्पर्स यू टू टच, और इसके बाद ये जो टच डिवाइस है उसके ऊपर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। स्पर्स यूज टू टच वेयर इंटरेक्शन एज एन इंडिकेशन फॉर व्हाट कॉपी फ्रॉम वेयर एंड वेयर टू पास इट ऑन, और ये जो टच जो है हमको सजेशन देता है कि आपको वो भी फाइल को कहाँ से कहाँ ले जानी है, कहाँ से कॉपी करनी है, वो सारी बात और कहाँ तक उसको पास करना है वो सब बात वो जो सजेशन करता है, जो इंटरेक्शन करता है वो स्पर्श को यूज करके उस टच को यूज करते हैं। सनफ्लावर नेक्स्ट जो है वो सनफ्लावर की बात बताइए। लेट्स अस ट्रेल द सन, इट इज एन आर्टिफिशियल सनफ्लावर। तो आपको सन को ट्रैप करना है और ये जो आर्टिफिशियल जो सनफ्लावर है उस सनफ्लावर को आपको बनाना है विथ सिंपल OPAM 741 सर्किटरी फोटो सेंसर ही क्रिएटेड और सनफ्लावर विच वुड मूव विथ सन। तो
आपको ये सर्किट एरर जो होता है, सिलेक्टेड डिवाइस को या इक्विपमेंट जो होते हैं उसको यूज करके 721 सर्किटरी जो डिवाइस और ये उस सर्किटरी डिवाइस को फोटो सेंसर के साथ उसको लगाना है। यानी ये जो सन फ्लावर होता है वो सन के सामने उसको मूव होता है, यानी जैसे सन लाइट मूव होती है वैसे ही ये जो सन फ्लावर है उसके सामने ही वो मूव होता रहता है। वैसे ये जो सन फ्लावर की जो लाइट होती है, ये जो सेंसर होता है उसको क्रिएट करके उस सन के साथ उसको मूव करता है। तो लेटर द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी इंटेंसली यूज इन सोलर पैनल एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एज द पैनल टू गेट द मोस्ट एफिशिएंट एंगल ईच टाइम। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो उसने यूज किया है कि वो कैसा है, कैपेबल होता है कोई भी एंगल के अंदर मूव होना, यानी कोई भी पैनल के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो पैनल सोलर पैनल सोलर पैनल जो लगाते हैं उसके अंदर ये जो इंस्टीट्यूट जो होता है उसके अंदर हम ये पैनल लगाने के बाद मोस्ट एफिशिएंट एंगल के अंदर यानी कोई भी एंगल की तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं वो हम इसके थ्रू हम सनफ्लावर के थ्रू बना सकते हैं। ओके, लास्ट सिक्स सेंस जो हमारे बॉडी के अंदर जो सिक्स सेंस हमको दिया गया है उसी सिक्स सेंस को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं। सिक्स सेंस इज वेरिएबल जेस्चर इंटरफेस ऑगमेंट द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस विद द डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड लेट्स अस यूज द नेचुरल हैंड जेस्चर टू इंटरैक्ट विद देयर इंफॉर्मेशन। और ये जो जेस्चर इंटरफेस इंफॉर्मेशन जो बताई गई है कि इंटरेक्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन बताई गई, ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है हम उसको नेचुरल तरीके से फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उसको हम ऐड करते हैं। हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर ये जो ऑगमेंट जो है उसको ऐड करके उसी फाइल को हम चला सकते हैं। ओके, इसके थ्रू हमारा सिक्स सेंस के थ्रू हम चला सकते हैं। By using camera and tiny projector mounted in pendant-like wearable device, six senses, what you see and visually augment any surface or object we are interacting with. Okay? तो ये जो सब बात होता है कि उस कैमरा को यूज करके ये जो टिनी प्रोजेक्टर होते हैं उसको हम फिट करते हैं, और उसको फिट करने के बाद हमारा जो वेरिएबल जो डिवाइस होते हैं उसके अंदर ये जो सिक्स सेंस को हम देखते हैं। एंड ये जो सरफेस के अंदर उसके अंदर हम इंटरेक्ट करते हैं कैमरा के साथ, वो सब बात को बताते हैं कि जिसके अंदर हम ये जो सिक्स सेंस की जो बात बता रहे हैं वो हम यूज करते हैं, और वो सब बात हम सिक्स सेंस के थ्रू हम यूज करते हैं। It project information on the surface, walls and physical object around us. Okay? ये जो project information जो होते हैं हम सरफेस के अंदर, walls के अंदर और फिजिकल ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लगा सकते हैं और यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट वी आर इंटरेक्टिंग विद और उसको इंटरेक्टिव करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट की बात करें कि सरफेस वॉल और फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके साथ हम यूज करते हैं। एंड लेट्स अस इंटरेक्ट विद द प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू नेचुरल एंड जिससे आर्म देन मूवमेंट विद प्रोजेक्टर। तो ये जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अंदर ये जो नेचुरल एंड उसका जो जिससे जो होता है उसके अंदर जो हमारे जो आर्म की जो मूवमेंट है वो भी हम यूज करते हैं। हमारे सिक्स सेंस की बात करके हम देखते हैं हमारे हाथ की मूवमेंट होती है, हमारे फेस की जो मूवमेंट होती है वो सब बात वो कैमरे और प्रोजेक्टर के अंदर हम दिखाते हैं कि कैसे हमारा सिक्स सेंस का हम यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, वो हम नेचुरली इलेक्ट्रॉनिकली टेक्निकली वो सब बात बताते हैं।
आवर इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट इज सेल्फ, और हमारा जो इंटरेक्शन जो होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा खुद का होता है। सिक्स सेंस अटेम्प्ट टू फ्री इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कंबाइंड बाय सेमनेस। ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन जो हम अटेम्प्ट करते हैं वो हमको कैसा नीड कंबाइंस का मतलब होता है कंट्रोल करना है फॉर सेमलेसली इंटीग्रेटिंग इट विथ रियलिटी, और हमारे अंदर जो भी रियलिटी है उस रियलिटी के साथ उसको फ्लॉलेसली उसको कंट्रोल करना है, उसका सामना करना है। हमारी बॉडी का हवा, हमारी बॉडी का मूवमेंट, वो सब हमारे फेस को हमको कंट्रोल करना है एंड दस मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड योर कंप्यूटर, और सारे हमारा जो बॉडी का जो मूवमेंट है और एंटायर वर्ल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड को हम कंप्यूटर के अंदर हमको कंबाइन का मतलब होने वाला है टू कंट्रोल, पूरे वर्ल्ड का हम इस कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है वो सारी चीज़ को हम कंप्यूटर के ऊपर हम सारी चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को चलाना है तो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, बड़ा कंप्यूटर होते हैं कि जब हम डिजिटल डिवाइस को कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। फाइव टू सिक्स सेंस और ये जो सारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की जो बात बताई है उसको हम यूज करते हैं। ओके, तो आई होप कि ये जो चैप्टर था उसके अंदर हमने ये जो प्रणव मिस्त्री जो था उसके बारे में देखा कि उसने कितने सारे जो प्रोडक्ट जो थे टेल टच स्पर्स सनफ्लावर और ये जो सिक्स सेंस जो उसमें जो बात होता है वो बात उसके अंदर होता है। ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ये वो आपके लिए स्टूडेंट और एग्जाम और और कम्युनिकेशन और ये सारे वर्ड जो आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है और उसको भी समझना है, और ये जो सिनोनिम जो आता है एग्जाम के लिए वो आपके लिए यूजफुल है। ओके, आई होप के आई यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड यू कैन मेक योर चैप्टर, तो या फिर जो चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है रीड टू। ओके, इसके अंदर हमने बात की प्रणव मिस्त्री की बात, इसके इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात। ओके, थैंक यू।